अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेल मज़र है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज बिल्लियन में हमारा सेकंड डे है। और सर्दी एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा है, तो आज भी हम इसी साइड एरिया पर ही हैं फ़िलहाल। तो कोशिश करूँगा कि आज कहीं मतलब कोई जो इनकी मोस्ट फेमस प्लेसेस हैं वहाँ जाकर उनका विज़िट किया जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं, मेरे साथ रहिए। वाह, फाइनली धूप लगी है और उम्मीद करते हैं ऐसे टेम्परेचर कम होगा। ये इनकी एक फ्रूट की शॉप है, आज आपको दिखाते हैं इनकी फ्रूट की शॉप। जहाँ दें तो सब कुमरान कौन कौन पेन। अस्सलाम वालेकुम, फ्रूट देखें जी यहाँ के, रंग बिरंगी फ्रूट्स, सब यूरोप प्रोडक्शन है। ये जयमला पैकिंग में लीची, नो रश रश लीची, कैसे लीची से क्या हूँ। ये यहाँ जर्मन में ज़्यादातर आपको तुर्किश मिलेंगे, ये सारे इनके बिजनेस हैं तुर्किश वालों के। और ये सारे मसाले, हर किस्म के मसाले आपको मिलेंगे, स्पाइसी, ये सारा हलाल गोश्त, ये यहाँ ज़्यादातर इस तरह डिस्प्ले में होता है। आई थिंक ऐसे आपको पाकिस्तान में भी मेट्रो वगैरह इन साइट्स पर मिल जाएगा। वैसे कसर मेरे को बस इतनी ज़ुबान आती है गुड। ये देखें, ये इनके साथ ये लगा हुआ है मसाले जात के साथ, ये बना हुआ है ग्रिल वगैरह करने के लिए। आई थिंक मुर्गी है सारी, चिकन। ये हड्डी काटने वाली मशीन, यहाँ वो पाकिस्तान के छोरा नहीं यूज़ होता, ये आरा मशीन टाइप होता है, इस पर हड्डी काटी जाती। इनसे मिल गया है साजिद महमूद, कज़न है मेरा। ये जिनसे मिले, ये हैं जी साजिद महमूद, ये कज़न है और ये अभी इटली थे पहले और यहाँ अभी शिफ्ट हुए हैं विद फैमिली। और आप अपना बताएं जी, कुछ कैसा लगा आपको जर्मनी। जर्मनी अगर काम के हिसाब से देखा जाए, काम भी अच्छा है, और जो आपको आपकी जो मजदूरी है वो आपको सही, आपका हक सही आपको मिलता है यहाँ पे। काम के मसले मसाइल नहीं है, डॉक्यूमेंट अगर प्रोसेस आपका जैसे लीगल है, जैसे मैं अब इटली से 0-0 लेके आया हूँ, यहाँ के मैंने चेंज किए हैं, मुझे 3 साल के मिले हैं,
अभी मैंने फैमिली के अप्लाई की हैं तो फैमिली की अपॉइंटमेंट वगैरह आ गई है। बाकी ये घर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये है कि यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी है, बच्चों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। वो तो बेल्लिन जाहिर सी बात है, एक कैपिटल है और बहुत रश वाला शहर है यहाँ। ये हर चीज़ आपको हर किस्म की मिलेगी, हर जगह और 24 घंटे मिलेगी। और ज़्यादा कम्युनिटी कौन सी है यहाँ पर? तुर्की है। तुर्की बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा यहाँ पे बर्लिन में तुर्की है। हाँ, जितने बिजनेस और जितना बिजनेस है सारा तुर्की। सही है। अच्छा, ये इस एरिया का क्या नाम है? जो जोन है वो न्यू कॉलन जोन है, और जिस हम स्ट्रीट में जा रहे हैं ये अरमन से ऊबन 8 आती है, ऊबन का आखिरी स्टॉप है 8 नंबर 8। और यहाँ से बेल्लिन सेंटर कितने दूर है? 4 स्टॉप हैं। 4 स्टॉप है, नज़दीक है, 3-4 किलोमीटर आई से। मतलब हम जोना बी में आते हैं, जो सेंटर है वो ए में आते हैं। यहाँ आपको ये देखें, इस एरिया में तुर्किश बहुत ज़्यादा है, हर जगह आपको ये तुर्किश रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। और यहाँ पर फैमिलीज आती हैं, हलाल जो है ना, हलाल खाना मिलता है, ठीक है, ये हलाल लिखा भी हुआ है। तो ये देखें इनका मेन्यूज़ लगे हुए हैं, और तुर्किश आपको बहुत मिलेंगे यहाँ। मतलब डुच आपको, मैंने तो अगर यूँ देखना, अगर 100 बंदा मेरी नज़रों के आगे से गया है तो इसमें से 5 डुच होंगे और 95 जो है ना ये तुर्की है। तो ये भी हर फील्ड में है तुर्की, और तुर्किश ही तुर्किश हर तरफ। जी आपको दिखाते हैं, यहाँ सेल्फ सर्विस मशीनें लगी हुई हैं, आपने कपड़े धोने हैं, घर की कोई रज़ाइयाँ तलाइयाँ जो भी धोना है यहाँ आएँ, ठीक है, और इन मशीनों में डालकर और ये धो लें, दैट्स इट। होते हैं जैसे लोग आते हैं उनके पास घर नहीं होते या मतलब उस तरह ये फैसिलिटीज़ नहीं होती, इस तरह लोग वीकेंड पर आते हैं यहाँ और अपनी सारी चीज़ें धोने वाली धो लेते हैं। और यहाँ से फिर ये सुखाने वाली मशीनें भी लगी हुई, ठीक है, और ये सारी मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है, इसमें आप आए अपने कपड़े धोएं, रज़ाइयाँ तलाइयाँ चादरें सब कुछ धोएं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। ये मशीन है यहाँ से भैया, बस पैसे डालें। पैसे डालें और उस मशीन का नंबर ऐड करें, बस मशीन चल पड़ेगी ऑटोमेटिकली दो कर तो बाहर ना आए ना खाए खाए। टेम्परेचर देखें जी, जहाँ भी पानी है ना वहाँ शीशा बन जाता है, ये देखें माइनस जा रहा है, -5 है इस वक्त, और ये बिल्कुल बर्फ़ बनी हुई है। ये एक छोटा सा गार्डन है, यहाँ से एंट्री मारें, और ये एक फुटबॉल का बना हुआ है कैंप, इसके साथ इधर ये इसके ऊपर खड़े हो तो ये घूमता है। ये फैज़ान, सना और मुहम्मद, ये ऊपर से देखें से और हल्का हल्का करें और ये घूमता है। इसके साथ ये आगे एक और टाइट है बना हुआ है, इसके ऊपर भी किड्स एंजॉय करते हैं। ये एक छोटा सा गार्डन है आबादी के अंदर, मीन्स कि ये जितने इर्द गिर्द अपार्टमेंट्स हैं ये इन सब फैमिलीज़ के लिए फारिग टाइम में यहाँ आकर अपना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड। जिस टाइम अस इतने तुम 50-100 बंदा नजर आ सी, ये जी बर्गर बहुत फेमस है, जो लाइन लगी हुई है जिस टाइम ही अस बेल्लिन का, ये अभी कोई बिल्डिंग है, आई डोंट नो क्या नाम है इसका, सरकारी बिल्डिंग है भाई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं ये। ये बेल्लिन के सेंटर की तरफ अब जा रहे हैं, तो अभी बेल्लिन के बड़े स्टेशन के टनल से गुजरेंगे, थोड़ा सा नज़ारा करवा दें।
ये जी होटल है, यहाँ हम अपने एक दोस्त एक और आया हुआ है उसे लेने आए हैं। इस होटल के बिल्कुल सामने ये ट्रेन, ये बर्लिन की ट्रेन स्टेशन है जो मेन स्टेशन है। ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूँ बड़े रोड पर। अब तकरीबन सारे यूरोप में, जैसे इटली में भी ऐसे ही है, ये स्कूटियाँ टाइप हैं। ये बस इसका आप डाउनलोड करें मोबाइल में और इसके साथ बस आएँ और जितनी आपको चलानी है बस उस पर मोबाइल पर ही ऑन करें, मोबाइल से ही इसकी पेमेंट होगी। बस जहां आप पहुँचें वहां बस वहीं छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। तो ये अभी पूरे बिल्डन में और तकरीबन यूरोप के काफ़ी सारे ममालिक में ये चीज़ अवेलेबल है। अब ये देखें, छोटे मोटरसाइकिल टाइप, स्कूटियाँ टाइप, साइकिलें, ये आपको हर जगह मिलेंगी। अब आवाम की सहूलत के लिए इनके लिए अलहदा ये ट्रैक्स बने हुए हैं, इन पर आप इनको रन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सहूलत है। जैसे काफ़ी सारे लोग मतलब शहर से बाहर से आते हैं और ट्रेन पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पार्किंग का बहुत इशू होता है, तो ट्रेन से उतरते हैं फिर ये स्कूटियों से बस अपने अपने जहाँ जहाँ जाना होता है जाकर, तो दैट्स इट। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक सहूलत है जो यूरोप के तकरीबन काफ़ी सारे ममालिक में अवेलेबल है। ये जी बर्लिन शहर के तकरीबन सेंटर के करीब ही है और ये कुछ रात का व्यू है। यहाँ से ऊपर से ट्राम जाती है, ट्रेन जाती हैं और ये एक चौक है। अभी समझ नहीं आ रही, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ। बाहर एक्चुअली मेरा कज़न आया, उसके साथ मैं उतर गया था, मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा यहाँ विज़िट करते हैं, तो तब तक आप अपना काम करके वापस आओ। यहाँ मैंने देखा है हर पूरे शहर में ट्राम चलती है और ट्राम का पूरा यूं कह लें कि जाल बिछा हुआ है इधर बर्लिन में, कि इसमें आप इजीली जहाँ से भी जहाँ भी आपने मूव करना है, अगर आपके पास अपनी की कन्वेंस नहीं है तो ईज़िली जो है ना इससे आप मूव कर सकते हैं। ये बर्गर्स वगैरह, रिफ्रेशमेंट। पिज़्ज़ा टाइप है कोई नीचे। चाइनीज़ रेस्टोरेंट, चाइनीज़ आपको पता है चांद पर भी आपको चाइनीज़ मिलेंगे, कहीं भी चले जाएं चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स, चाइनीज़ बार, ये आपको ना मिलें ये हो नहीं सकता। ये जी ट्राम जो बहुत यूज़ करते हैं यहाँ लोग। ये बर्लिन में मीना कुमारी के नाम का रेस्टोरेंट है। ये अपने पाकिस्तानी भाई हैं उनका है। अभी थोड़ी देर बाद आपको इसके इर्द गिर्द जो भी इलाका है बर्लिन में उसका विज़िट करवाते हैं। जर्मनी में ये है कि आपको हलाल बीट, हलाल रेस्टोरेंट्स हर जगह मिलेंगे। ये देखें, मैं भी आपको हलाल का नज़र आ रहा हो, ये भी एक हलाल मैकडोनल्ड टाइप्स है जिसमें आप चीज़ें खा सकते हैं। इनका एक मेन्यू देख लेते हैं, दैट्स इट।
और प्राइसेस भी नॉर्मल ही हैं। जैसे ये देखें, ये मेन्यू, दो बर्गर, चिप्स वगैरह 8.5 यूरो कर लें, पाकिस्तानी 1500 यूरो 1500 रुपये बन जाते हैं। सो आई थिंक इतने तो पाकिस्तान में भी अब लग जाते हैं, आई थिंक पाकिस्तान से भी सस्ता है। ये बेहतरीन बैठने के अंदर जगह है, मुस्लिम्स फैमिलीज भी आती हैं और ये भी खाते हैं। और यहाँ मैंने ये चीज़ नोट की है कि जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में ये था कि ये यहाँ तुर्के बहुत हैं, तुर्कों की ये 7वीं 8वीं जनरेशन है, सो इसलिए यहाँ ये इशू नहीं है। और हलाल फूड आपको हर जगह मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। तो बाकी ममालिक में ये इश्यूज़ हैं जहाँ हलाल मीट जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जर्मनी में आई थिंक ये आपको इशू नहीं होगा कि हलाल रेस्टोरेंट्स या खाने पीने का इशू नहीं होगा। हलाल आई थिंक वो आपको इजीली मिल जाएगी हर जगह। ये जी मीना कुमारी रेस्टोरेंट है बेल्लिन में। अगर आपको बेल्लिन आए और आपको अपना अपने खाने की याद आए, अपनी रोटियां, अपना फूड जो भी है, तो उसके लिए आप यहाँ आ सकते हैं। एक अच्छा माहौल है, बैठने की बेहतरीन जगह है, और ये एक पाकिस्तानी है अपने, और इनका ये रेस्टोरेंट है। मैं इनके विजिटिंग कार्ड की भी आपको पिक्चर साथ अटैच कर देता हूँ। देसी गाँव जी, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में बेल्लिन में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, और उन्होंने स्पेशल मेरे लिए हलवा बनाया और साथ लस्सी। लेट्स सी, इसे चेक करते हैं अभी गर्मा गर्म इस ठंड में, -5 में गर्मा गर्म हलवा। लेट्स सी, जबरदस्त है, क्या बात है, बहुत डिलीशियस है। वाह, ये जी यहाँ का बहुत मशहूर कबाब है, और हम टेस्ट करने आ गए। इसकी बहुत तारीफ सुनी है, इस वक्त कोई नहीं है, लेकिन दिन में यहाँ की रश होती है, बहुत ज़्यादा फेमस है बिल्डिंग में। ये तुर्कश वालों का है ये, इस तरह लेट्स सी, बहुत में आपको दिखाते हैं क्या टेस्ट है इसका, लेकिन तारीफ बहुत सुनी है। दोस्तों बाहर इतनी ठंड है, मैं तो वो आके गाड़ी में बैठ के हूँ, कज़न को मैंने कहा यार तुम लेकर आओ, मैं तो गाड़ी में बैठता हूँ जाकर, बहुत सर्दी है यार, ऐसी सर्दी -4 -5।